सो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ आने वाले ऐसे कमाल के स्मार्टफोन की जो दोस्तों 12,000 रुपये से कम की रेंज में इस टाइम इंडियन मार्केट में आता है, यानी कि 2022 क्वार्टर फोर में ऐसा कोई सैमसंग का फोन है नहीं जो इस स्मार्टफोन से बेस्ट हो इस प्राइस रेंज में, यानी कि 12,000 से कम की रेंज में। आज की वीडियो के उसी स्मार्टफोन की हम बात करें, अगर आपको लेना है कोई फोन 12,000 से कम की रेंज में और सैमसंग की ब्रांडिंग आपकी चॉइस है तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें, मिस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपके लिए एक फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन आज मैं बताने वाला हूँ। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र कौशिक, आप देख रहे हैं दोस्तों टेक स्टोरी यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो दोस्तों हम इस स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करेंगे, और दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं कि आप ज्यादातर ये सोचते होंगे कि अच्छे फीचर्स कम कीमत में रेडमी रियलमी या फिर कोई और स्मार्टफोन ही देता है, सैमसंग शायद महंगे ही स्मार्टफोन में आपको अच्छे फीचर्स देता है। आज की वीडियो में वो कंफ्यूजन भी आपकी दूर हो जाएगी। पहले दोस्तों फीचर्स की बात करें, दोस्तों आज की वीडियो में जो हम फोन बात कर रहे हैं वो लॉन्च होना 29 जून को जो कि 2022 में लॉन्च हुआ था, और यहां ये फोन एंड्रॉइड 12 पे यानी कि लेटेस्ट वर्जन पे काम करता है और वन यूआई पर ये बेस्ड है, यानी कि आप ये समझ गए हैं कि ये स्मार्टफोन एक लेटेस्ट लॉन्च स्मार्टफोन है और एंड्रॉइड 12 पर ये काम करता है। इतने दोस्तों मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये स्मार्टफोन एक 4G फोन है, सैमसंग कोई फोन ऐसा नहीं है इस टाइम इंडियन मार्केट में जो 12,000 से कम की कीमत में 5G देता हो, काफी कंपनियां ऐसी हैं, सैमसंग इकलौती नहीं है। सारे दोस्तों अगर इसके फीचर्स की बात करें फिर दोस्तों हम बात करते हैं स्मार्टफोन की कौन सा है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा सस्पेंस तो बनता है, आप बेस्ट स्मार्टफोन ले रहे हैं सैमसंग का। फीचर्स की दोस्तों बात करें तो ये फोन आपको देखने को मिलता है सैमसंग एक्सिनोस 850। ये प्रोसेसर दोस्तों आपका 8 नैनोमीटर पर बेस्ड है और 2 GHz की एक क्लॉक स्पीड देता है। प्रोसेसर दोस्तों ये काफी अच्छा है, आप गेमिंग स्मार्टफोन को कह सकते हैं इस कैटेगरी में, यानी कि 12,000 से कम की कैटेगरी में। साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में 6.6 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि दोस्तों गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आती है, और वहीं दोस्तों 60Hz का रिफ्रेश रेट देती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सैमसंग बेकार फीचर्स नहीं देता है अपने कम कीमत वाले फोन में। साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में बैक पे 3 सेंसर होंगे, मेन है 50 MP का 5 का वाइड लेंस होगा और 2 MP का डेप्थ सेंसर, फ्रंट में 8 MP की सेल्फी देखने को मिलेगी, क्लियर कर देंगे ये स्मार्टफोन आपका वीडियन के साथ आएगा। साथ ही दोस्तों आपको देखने को मिलती है एक बड़ी बैटरी, यानी कि 6000mAh की बैटरी, 15V के चार्जर के साथ बैटरी भी देखने को मिल जाती है, और साथ ही साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर और 1TB तक का स्टोरेज एक्स्ट्रा इसके अंदर बढ़ाया जा सकता है एसडी कार्ड के जरिए। कीमत की बात करते हैं फिर दोस्तों बात करते हैं कि कौन सा ये स्मार्टफोन, कीमत दोस्तों इसकी देखने को मिलती है 11,999, और ये फोन है हमारा सैमसंग गैलेक्सी F13। जी हाँ दोस्तों, इससे अच्छा फोन मेरी नज़र में क्या आप किसी से भी पूछ सकते हैं जो आपको लगता हो कि सबसे ज़्यादा ज्ञानी है इस बारे में कि इसको सब पता है फ़ोन के बारे में, उससे भी पूछेंगे, यानी कि क्वार्टर फोर 2022 में ऐसा कोई फ़ोन नहीं है सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ जो इतने अच्छे फीचर्स और इतना अच्छा डिज़ाइन आपको प्रोवाइड कराता हो। मेरी नज़र में इकलौता बेस्ट स्मार्टफोन है इस टाइम इंडियन मार्केट का जो आपको 11,999 रुपये में इतने अच्छे फीचर देता है सैमसंग गैलेक्सी F13। डिज़ाइन अच्छा है, फीचर्स अच्छे, यानी कि गेमिंग कैमरा या फिर डिस्प्ले सभी चीज़ के अंदर अच्छी देखने को मिल जाती है। सो अगर दोस्तों आप 12,000 से कम की कीमत में कोई फ़ोन लेने की सोच रहे थे, कन्फ्यूज हो रहे थे कि कौन सा लें कौन सा नहीं लें, टॉप 5 देख रहे हैं टॉप 3 देख रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन सा लिया जाए, तो आज की वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो आपने बिल्कुल सही करा है, अब आप ले सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी F13। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, फ्यूचरिस्टिक फ़ोन है, कमाल का फ़ोन है, 5G लेना है वो एक अलग चॉइस है, लेकिन बेस्ट स्मार्टफोन लेना है तो आपके लिए यही इकलौता स्मार्टफोन है। सो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड